Welcome dear learners. In today's video, we will solve some questions of crystal imperfections. We will see some MCQs related to crystal imperfections. इसकी brief study हम पहले कर चुके हैं, जिसका link भी description box में available है. In past videos, we have solved some questions related to molecular orbital theory, liquid crystal, graphite, fullerene and band theory, जिनके link भी description box में available है. आइए स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शंस. तो जस्ट टू रिकॉल, कुछ समरी मैंने यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको क्रिस्टल इम्परफेक्शंस की. तो रिकॉल करते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन. वी नो जो सॉलिड्स होते हैं, दे आर विद द डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम एंड दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, वाइल द अमॉर्फस सॉलिड आर दोज विच हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर. अगर कहें जो सॉलिड होता है उनमें एक डेफिनेट अरेंजमेंट पाया जाता है, और अगर उनके डेफिनेट अरेंजमेंट में कोई और लिटिल बिट डेविएशन है तो उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल इफेक्ट या क्रिस्टल इम्परफेक्शन. दीज क्रिस्टल इम्परफेक्शन मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिस्टल्स एज देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज विच आर रेगुलेटेड बाय दीज इम्परफेक्शन. सो हियर इज अ डेफिनेशन. डिसऑर्डर और इम्परफेक्शन इज यूज टू डिनोट डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. द इम्परफेक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, वाइल ड्यू टू द एटम्स इज कॉल्ड एज पॉइंट इफेक्ट और एटोमिक इम्परफेक्शन. सो कुछ डिफेक्ट्स की यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं. देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने कहा कि जो क्रिस्टल डिफेक्ट है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज पे इम्पेक्ट आता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स विच हैव कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ड्यू टू द इम्परफेक्शन ओनली. सो ये कई प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करते हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिस्टल इम्परफेक्शन. कोई भी क्रिस्टल इम्परफेक्शन दो तरीके का हो सकता है, या तो वो स्टोकियोमेट्रिक टाइप का होगा या वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट होगा. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट विच ओबे द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन, यानी कि जो डिफेक्ट हो रहा है उसके बाद भी लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन को फॉलो करे. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक सॉलिड है जिसमें कि 10 कैटायन और 10 अनायन प्रेजेंट हैं, एंड आफ्टर द डिफेक्ट अगर उनका रेशियो मतलब 10/10 1:1 हो गया, तो अगर उनके आफ्टर द डिफेक्ट भी वही रेशियो मेंटेन रहता है 1:1 का, तो दैट टाइप ऑफ डिफेक्ट विल नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. व्हाइल नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दोज डिफेक्ट विच डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर डिफेक्ट सपोज देर आर 10 कैटायंस एंड 10 अनायंस, बट आफ्टर डिफेक्ट देर इज 10 कैटायंस एंड 8 अनायंस. तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कम्पोजिशन को फॉलो ना करने वाले डिफेक्ट्स को हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं. तो कोई भी डिफेक्ट या तो स्टोकियोमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट होगा और या वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक टाइप ऑफ डिफेक्ट होगा. अब इन जनरल कोई भी डिफेक्ट तो स्टोकियोमेट्रिक या नॉन स्टोकियोमेट्रिक हो ही सकता है, बट अगर हम डिफेक्ट की स्टडी जीरो डायमेंशन पर कर रहे हैं तो इस टाइप का जो इफेक्ट होगा वो पॉइंट इफेक्ट कहलाता है. व्हाइल द डिफेक्ट which we study on one dimension are known as line defect. The defect which we study on two dimension are known as surface defect, and the defect which we study on three dimension are known as volume defect. So, हमारे course में mainly point defect है, तो हम two examples के यहाँ पे जिक्र करेंगे. two point defect होते हैं जिनको हम detail में पहले भी study कर चुके हैं, जिनका नाम है Schottky defect and Frenkel defect. So, Schottky defect and Frenkel defect are the example of point defect. They both are the example of point defect and they both are stoichiometric defect. इनको एक diagram के through आपको explain करूंगी. Suppose there is a solid which is made up of cation and anions. So, the defect is of that type in which a cation and a anion from its lattice sides leave its space and create a vacancy. That type of defect is known as vacancy defect and its example is Schottky defect. तो यहाँ lattice side से एक cation और एक anion pair में अपनी lattice side छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि density कम हो जाएगी, vacancy create हो जाएंगी, vacancy create होने की वजह से conductivity बढ़ जाएगी और they will maintain the law of constant composition. cation और anion का ratio same रहने वाला है, that's why that is known as stoichiometric defect and this particular is an example of Schottky defect. While Frenkel defect is that defect in which a ion, especially cation, leaves its space and settle down in its interstitial position. So we can see there is a defect which is obeying the law of constant composition. That's why that is stoichiometric defect.
The cation and anion ratio will be remain same. That's why that is stoichiometric fact. There is also, we can say, that is a combination of vacancy and interstitial defect. At this point, this is interstitial defect, while at this point, this is vacancy defect. So, Frenkel defect is an example of interstitial defect, and that is stoichiometric in nature. We can see density will remain same in the case of Frenkel defect. Conductivity will also remain almost same. Conductivity itni increase nahi hoti, keval ek vacancy create ho rahi hai, while in case of Schottky defect, two vacancies are creating. So these two defects are the example of point defect. Aye solve karte hain crystal imperfections ke kuch questions. Any departure from complete order of arrangement of atoms in a crystal is known as, so that is a definition of crystal imperfections. This is known as crystal imperfection. Dekhte hain apna second question. A point imperfection contains point-like reasons causing departure from the regular structure. It is also called as, so we can see it is a definition of point imperfection. Point imperfection, as we know, it is the zero dimension imperfection. Move karte hain third question ki taraf. Following is not an effect of defect on properties of crystal. Increase melting point, change refractive index, change magnetic strength, density decreases. After the crystal imperfection, melting point always decreases. Kabhi bhi increase nahi hoga, ya to same rahega ya decrease hoga. Refractive index mein change aate hain, magnetic strength mein change aate hain, density change hoti hai, decrease ho sakti hai. So iska first option jo hai, A option hai, that is not a effect of defect on properties of crystal. So its answer is A. Moving on fourth question, which of the following is not a cause of defect or imperfections in crystal? Not a cause of defect. Okay. So, A option is faster crystallization of solid from its solution, applying local pressure on crystalline solids, vacancies left in crystal at the time of improper crystallization, slow cooling of hot metals. So, dear learners, D option aisa hai jo ki cause nahi hai kisi bhi defect ka ya imperfections ka, crystal imperfections ka. हॉट मेटल की स्लो कूलिंग से कभी भी कोई इम्परफेक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर हम फास्टर क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं किसी भी सॉलिड का किसी सॉल्यूशन से, तो इम्परफेक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं. लोकल प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के इम्परफेक्शन प्रोड्यूस हो सकते हैं. वैकेंसी रह जाती है किसी क्रिस्टल में आफ्टर द टाइम ऑफ इम्प्रॉपर क्रिस्टलाइजेशन, तो डिफेक्ट हो सकते हैं. बट स्लो कूलिंग ऑफ हॉट मेटल से कभी भी कोई इम्परफेक्शन नहीं होगा. सो डी इज द आंसर. बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. विच क्रिस्टल इम्परफेक्शन इज अ जीरो डायमेंशनल? आप जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट इज अ जीरो डायमेंशन डिफेक्ट. सिक्स्थ क्वेश्चन, विच क्रिस्टल इम्परफेक्शन इज वन डायमेंशन, वन डायमेंशनल? तो जो वन डायमेंशनल इम्परफेक्शन होते हैं वो है लाइन. पॉइंट डिफेक्ट आर जीरो डायमेंशन, लाइन डिफेक्ट आर वन डायमेंशन, सरफेस डिफेक्ट आर टू डायमेंशन, वॉल्यूम डिफेक्ट आर थ्री डायमेंशन. सो सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं. एन आयन इज लॉस्ट फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अनदर आयन इज लॉस्ट फ्रॉम अनदर पोजिशन, सच डिफेक्ट आर नोन एज. फिर से देखिए, एन आयन इज लॉस्ट फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस एंड टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. तो अगर कैटायन गया है तो अनायन की बात कर रहे हैं हम, और पहले अनायन लॉस्ट हुआ है तो कैटायन की बात कर रहे हैं हम. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अनदर आयन इज लॉस्ट फ्रॉम अनदर पोजिशन, सच डिफेक्ट आर नोन एज. तो जब कैटायन और अनायन पेयर में वैकेंसी क्रिएट करते हैं, लेफ्ट होते हैं लैटिस साइड से, तो उसको आप शॉटकी डिफेक्ट के नाम से जानते हो. सो इट्स आंसर इज शॉटकी डिफेक्ट. एट्थ क्वेश्चन देखते हैं. When an ion occupies interstitial site in crystal lattice, the defect is known as, so it is Frenkel defect. आप जानते हैं Frenkel defect में interstitial defect का example है. Ninth question देख लेते हैं एक बार. A pair of vacancy and interstitial is called. A pair of vacancy and interstitial is called. हम जानते हैं उसको हम बोलते हैं Frenkel defect. While a pair of ion, pair of ion vacancy is called Schottky.
तो पहले फ्रेंकल देन शॉर्ट की, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. 10th क्वेश्चन, ग्रेन बाउंड्रीज एंड स्टेकिंग फॉल्ट्स आर एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. तो जो पॉइंट डिफेक्ट होते हैं वो तो पॉइंट जीरो डायमेंशन होते हैं, लाइन डिफेक्ट वन डायमेंशन होते हैं, एज डिफेक्ट इज ऑल्सो वन डायमेंशन. वॉल्यूम डिफेक्ट में हम ग्रेन बाउंड्रीज और स्टेकिंग फॉल्ट्स की बात करते हैं जो कि थ्री डायमेंशन इन नेचर होते हैं. तो ग्रेन बाउंड्रीज एंड स्टेकिंग फॉल्ट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूम डिफेक्ट. मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. तो एज डिसलोकेशन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो सकता है, एफ सेंटर्स, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, दे बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. एफ सेंटर्स, एफ सेंटर्स क्या होते हैं? ये मेटल एक्सेस डेफिशिएंसी के कारण प्रोड्यूस होते हैं. एफ सेंटर्स आर नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स. सपोज कोई वैकेंसी क्रिएट होती है जिस जो कि सपोज नेगेटिव आयन कोई अपना लैटिस साइड से स्पेस छोड़कर चला जाए तो एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर ले, तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट तो नहीं है. शॉर्टकी डिफेक्ट में तो एक कटायन एक अनायन अपनी वैकेंसी क्रिएट करता और लैटिस साइड छोड़ के चला जाता. यहाँ कोई सपोज एक अनायन लैटिस साइड छोड़ के गया, वैकेंसी क्रिएट कर गया, बट उसकी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ने उसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. इसको हम बोलते हैं एफ सेंटर्स, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मेटल एक्सेस डेफिशियंसी एंड दैट इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर. तो एफ सेंटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. शॉर्टकी डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन NaCl, LiCl, ZnS, CaF2. तो शॉर्टकी डिफेक्ट जो ऑब्जर्व किया जाता है वो NaCl, KBr, AgBr में तो दोनों ही डिफेक्ट देखे जाते हैं, शॉर्टकी एंड फ्रेंकल. तो NaCl इज द आंसर. LiCl, ZnS, CaF2, दीज शोज फ्रेंकल डिफेक्ट, नॉट शॉर्टकी डिफेक्ट. 13th क्वेश्चन देख लेते हैं. द डिफेक्ट व्हेन एन आयन, जनरली कैटायन, शिफ्ट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन टू इंटरस्टीशियल पोजीशन इन द क्रिस्टल लैटिस, देन अ वैकेंसी और होल इज क्रिएटेड इज नोन एज. तो इंटरस्टीशियल प्लस वैकेंसी, ऑफकोर्स इट विल बी फ्रेंकल डिफेक्ट. फ्रेंकल डिफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड इन, जैसा कि अभी मैंने दिखाया कि NaCl जो होता है वो तो शॉर्टकी डिफेक्ट प्रोड्यूस करता है, KBr, AgCl, none of these. तो KBr अभी आपने देखा था, NaCl, KBr both shows Schottky defect. AgCl ऐसा है जो कि Frenkel defect produce करता है. 15th question, which of the following is a kind of point defect? Kind of point defect. तो answer देख लेते हैं एक बार. Option है Schottky defect, Frenkel defect, interstitial defect, all of the above. आप जानते हैं Schottky, Frenkel are the example of पॉइंट डिफेक्ट. इंटरस्टीशियल वी कैन से फ्रेंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट. तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. 16 क्वेश्चन देख लेते हैं. डिफेक्ट कॉजेस डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल. इनमें से कौन सा डिफेक्ट डेंसिटी में डिक्रीज को शो करता है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. तो शॉर्टकी डिफेक्ट वो है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है. एक कटायन और एक अनायन अपना लैटिस साइड से स्पेस छोड़ के चले जाते हैं तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है. 17th क्वेश्चन देख लेते हैं. द डिफेक्ट व्हेन वन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम एनी साइड इन क्रिस्टल लैटिस, देन अ पेयर ऑफ वैकेंसीज और होल्स आर क्रिएटेड इज नोन एज शॉर्टकी डिफेक्ट. ऑफकोर्स जब एक कटायन और एक अनायन अपनी लैटिस साइड छोड़ के चले जाते हैं और वैकेंसी क्रिएट कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट. 18th क्वेश्चन देखते हैं. शॉर्टकी डिफेक्ट आर इन नेचर. कैसे होते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट? वो स्टोकियोमेट्रिक इन नेचर होते हैं. तो इसका आंसर होना चाहिए ए. सो लास्ट टू क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. विच इज अ टाइप ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. तो देखिए, एज डिसलोकेशन, no. F centers, yes, they are the example of metal axis defect. जैसा कि भी मैंने समझाया भी था कि कोई एक आयन, स्पेशली जैसे कि मान लो नेगेटिव आयन, कोई अपनी लैटिस साइड छोड़ के चला जाता है और कोई इलेक्ट्रॉन उस साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए. शॉर्टकी डिफेक्ट
इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट इफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट इफेक्ट. तो इसका आंसर होना चाहिए बी, एफ सेंटर्स. 20 क्वेश्चन देख लेते हैं. विच टाइप ऑफ डिफेक्ट अकर व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर आयन नंबर ऑफ एन आयन इज हाई. तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो तो हमेशा जो डिफेक्ट शो किया जाता है वो शॉटकी डिफेक्ट शो किया जाता है. जब कटायन और अनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो तो वो शॉटकी डिफेक्ट शो करते हैं. जबकि जब कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो यानी कि उनके साइज में डिफरेंस हो शायन और अनायन के, जिनसे मिलकर हमारा क्रिस्टल बना हुआ है, तो वो हमेशा फ्रेंकल डिफेक्ट शो करेंगे. आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. आपने कुछ क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एक बार सिर्फ क्वेश्चन देखिए, बिना मेरे आंसर बोले उनको चेक करने की कोशिश करिए आप कितने आंसर कर पा रहे हैं. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नैनो टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन.